सबसे पहले वैसे मैं पंजाब से हूँ, सरदार हूँ, तो ये बनता के पहले फतेह बनाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन रैली और राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा वाम से माननीय वामन मिश्राम जिन्होंने ये क्रांति आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर कई सालों से छेड़ा हुआ है, मैं उनका बहुत धन्यवाद आभारी करता हूं कि मेरे को यह मौका मिला है उनके साथ बैठने का और उनके सामने बात करने का। हम मूल निवासी 85% हैं और 15% जो इस देश में राज कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। बाकी स्टेज पर मंच पर बैठे सारे समुदाय सभी संगठनों के प्रतिनिधि और मेरे सामने बैठे बुजुर्ग माताएं और भाई बहनों, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं कि आप में यहां बोलने का मेरे को मौका मिला है। हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित और विमुक्त कमांतु जातियों के हम सब नुमाइंदे जनता जनार्दन में बैठी है, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम आज यही रोना रो रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं, हम 15% लोगों के नीचे दबे हुए हैं। ये जो आप सारे प्रवक्ताओं ने बात बताई है, थोड़ा सा मैं अलग बात करूंगा। कभी कभी छोटी लड़ाई हारने पर ऐसा रास्ता मिल जाता है, कभी कभी छोटी लड़ाई हारने पर ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसमें युद्ध जीता जा सकता है। छोटी छोटी लड़ाइयां हम मूल निवासी 85% लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास अब युद्ध का रास्ता है, आप युद्ध जीत सकते हैं। आप अगर संगठित हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और मिलके अपने हक के लिए लड़ें, हक हकूक के लिए लड़ें। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिसके बदन पर लिबास नहीं होता, और मैंने बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है, कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है और तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। बहुत से इंसान देखे हैं जो कोरा कागज पढ़ लेता है लेकिन पूरी किताब नहीं समझता। हमारे बाबा डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने 1928 में अपनी बात रखते हुए डॉक्टर बाबा अंबेडकर ने देश की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा। हमारे जो किताब लिखी है संविधान, जिसके लेखक हमारे मूल निवासी, हमारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़े के नुमाइंदे, इस देश को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए किताब थी और जिसमें उन्होंने ये 3 संख्या में बांटा। अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च वर्ण जातियां आती थी, और दूसरा जो जातियां बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में आती थी, ऐसी शुद्र वर्ण की मानी गई जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट जहां का प्रयोग किया, जिसे ओबीसी कहते हैं, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाति के रूप में आज हम पहचाने जाते हैं। आज हम पिछड़े हुए हैं 70 साल की आजादी के बाद भी, आजाद नहीं हैं। आज भी हमारी पहचान सामाजिक धारा में नहीं है और शैक्षणिक नहीं है, हम अशिक्षित हैं। अगर हम शिक्षित बनेंगे तभी आपकी सामाजिक धारा सुधरेगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और राजनीतिक स्थिति बदलेगी। जिस समाज का राजनीति में भाग्य नहीं होता, भागीदारी नहीं होती, हम सब कह रहे थे कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कितनी भागीदारी है हमारी? सांसद में कोई भागीदारी है? बहुत कम। विधानसभा में नहीं है। 85%
देश के मूल निवासी सांसद और विधानसभा के बाहर बैठे हैं। इसलिए मैं सबसे बेनती करूंगा कि आपको मेरी बात गौर से सुननी होगी, गौर से। केवल नदी में गिरने मात्र से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। इसी प्रकार परिस्थितियों की कभी समस्या नहीं बनती, समस्त समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। हम अभी भी अनजान बने हुए हैं। मैं विमुक्त गवांतु जाति से आता हूं, लबाना बंजारा, जो पूरे देश में 15 से 20 करोड़ हैं। हमें मुगलों के टाइम में देशद्रोही करार मिला तो हमारे 10 गुरु, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, बंजारा लबाना समाज ने इस देश को पहली आजादी में पूरा योगदान दिया। हमारे बाबा लक्की शाह बंजारा, जिनके पूरे परिवार शहीद हो गए, चांदनी चौक में हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी जब शहीद हुए तो उनके पार्थिव शरीर को उठा के बाबा लक्की शाह बंजारा, जो 12,000 एकड़ जमीन के दिल्ली के मालिक थे, जहां पे पार्लियामेंट, सांसद, इंडिया गेट और सारे आपके सरकारी भवन बने हैं, उनके मालिक थे। लेकिन आज उनका कहीं नाम नहीं आता। अगर बंजारा लबाना और आप सब लोग नहीं होते, चौहान और नोनिया, तो इस देश को पहली आजादी नहीं मिलती। दूसरी आजादी जब मुगलों के, अंग्रेजों के समय में हम व्यापारी लोग थे, हमारे ऊपर हम नमक बनाने वाली जाति नोनिया चौहान और बंजारा लबाना नमक डोवा डोवाई का काम करने को व्यापारी जाति, सबसे रिच अमीर ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर हम लोग थे। तो अंग्रेजों ने जब हमारे व्यापार के ऊपर टैक्स लगा दिया तो हमारी जाति काफी परेशान हुई। तो जब लड़ाकू जाति, जब लड़ने के मैदान में सबसे आगे हम लबाना बंजारा नोनिया चौहान थे, तो तब मुगलों ने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया 1857 में। तो हम लोग डर के मारे दूर दूर पहाड़ों, जंगलों में, दुर्गम स्थितियों में रहने लगे। तो हमारा उत्थान नहीं हुआ। 70 साल की आजादी के बाद भी हम आज भी गुमांतु जाति, विमुक्त जाति, मूल निवासी हैं, लेकिन पिछड़े हुए हैं। अगर मरने के बाद भी जीना चाहो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब कहते हैं। जिंदगी तो अपने पैरों पर ही चलती है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे निकलते हैं। आप मेरे से सहमत हैं? अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमें क्या करना है? समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो लिख बोल कर लड़ रहे उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल गिरा तो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय वामन मेश्राम जी किनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाथ उतार के करे, किनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे मूल निवासी, पिछड़ा जाति, पिछड़ा दलित, अति दलित की लड़ाई वामन मेश्राम जी पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में आंदोलन चला रहे हैं, क्रांति चला रहे हैं। इसलिए भाइयों, आगे बढ़ना है, क्रांति लानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी, बलिदान देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके आने वाली नस्लें, उसके लिए भी मैं एक उदाहरण देता हूं। जिस गांव में बारिश नहीं होती उस गांव की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस समाज में, परिवार में धर्म या संस्कार नहीं होते उसकी नस्लें खराब हो जाती हैं। आप सब सहमत हैं? आपकी आने वाली नस्लें अलोप हो जाएंगी अगर आज भी आप बाहर नहीं निकलोगे। घरों से बाहर निकलना होगा। माननीय वामन मिश्रा जी की लड़ाई, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारा संविधान के लेखक थे, श्री माननीय काशीराम जी, जिन्होंने वाम सेवा, ये बहुजन समाज का मोर्चा चलाया, आज उसका प्रतिनिधित्व माननीय वामन मिश्रा जी कर रहे हैं। हमें इनका साथ देना होगा। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अगर आप संकल्प ले लेंगे तो आने वाले पार्लियामेंट, सांसदीय इलेक्शन, जब विधानसभा के चुनावों में आपका प्रतिनिधित्व होगा, इसको रोक नहीं कोई सकता। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हो ही मन से हार नहीं मानता,
उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मनोबलता कीजिए, क्रांति लाइए, आंदोलन छेड़िए, बच्चों को जागरूक करिए, तब जाके आपको आजादी मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही गुमांतू जाति विमुक्त जो अभी आजादी नहीं मिली आपको, घूमते फिरते रहेंगे, आपके आने वाला समय जो है वो और कठिन हो जाएगा। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर्म दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। आप आंधिया बन दिए बन जाओ। आंधी है, मान रहे हैं कि 15% लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, आप दबे कुलचे हो, इसलिए आपको आगे आना होगा। आपके बच्चों को शिक्षित कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। तो मैं यही कहूंगा कि हमें लड़ना होगा, आगे आना होगा, एक नया मोड़ देते हुए पसाना बदल दीजिए, या तो खुद ही बदल जाइए या जमाना बदल दीजिए। मैं माननीय वामन मिश्रम से बेनती करूंगा, अगर ऐसे ही इनका क्रांतिकारी आंदोलन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जा रहा आपका राज होगा। आंदोलन को और ताकतवर बनाना होगा। दिल्ली में आइए और दिल्ली में आपको भारी से हम लोग बहुत जल्दी आंदोलन छेड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा समाज भी पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा में जाना जाता है, अशिक्षित है, सामाजिक धारा से दूर है, राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं है। तो 85% होने के नाते आपकी भागीदारी होनी चाहिए। मेरे पास पैगाम आ गया, समय कम है, तो मैं यही बेनती करूंगा कि आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। मैं पूरे देश में 25 राज्यों में घूम घूम कर अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं, आज आपके यहां पहुंचा हूं। तो मेरा माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, जिनका मैं बहुत ही सम्मान अमान करता हूं, और एक हरेंद्र चौहान जी जिन्होंने मेरे को पैगाम दिया, मैं उनके कहने पर यहां पहुंचा। हम लोगों ने संकल्प लिया है, बाबा गुरु नानक देव के कहने पे एक बात कहता हूँ, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। हम सब मानव हैं, हम एक बराबर हैं, लेकिन हमें बराबर की समानता की सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि हम कतार में खड़े हुए हैं। अगर आपकी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है तो इन राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की हो चाहे क्षेत्रीय लेवल की हो, उनको कतार में खड़े कीजिए और आपके नुमाइंदे आगे आने चाहिए। मैं यही बेनतियों से आपसे माफी मांगता हूं। और हमारा संकल्प है, हम एक संगठन चला रहे हैं, नेशनल प्राचीन भारतीय व्यापारी यूनियन और व्यापारी संघ और नानकशाही बंजारा लवाड़ा मिशन, जिसके तहत 10,000 बच्चों को जंगलों में पहाड़ों में आदिवासी हमारे जो पूर्वज हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, उनका प्रबंध कर रहे हैं जंगलों में पहाड़ों में, और 10,000 आदमियों को रोजगार देने का संकल्प लिया है। और 10,000 लोगों को हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है आवास योजना, उसके तहत बनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम चलाए हैं। अगर कोई भी आदमी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के या आवास के लिए कोई चाहता हो तो हमसे संपर्क करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया लबाना साहब, हमारे बीच में बहुत से वक्ता हैं, मैं और वक्ताओं से क्षमा।